धरना नहीं साहब आ लोगों के अंदर एक जागरूकता लहर चलाने वास्ते ताकि किसान को पता लगे किस किस्म दी साजिशां कीतियां जा रही हैं सारे हिंदुस्तान के किसान को। तो खास तौर पर मैं समझदा पंजाब के किसान को अज शाबाशी देने की जरूरत सीगी। कोरोना दे विच जिथे सारा हिंदुस्तान तालाबंद होया खड़ा है, सारी जिन्नी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सारियाँ बंदी दी कागार ते नुकसान दे कागार ते खड़ी हैं। कलम कला अगर हिंदुस्तान दे अंदर कोई इदारा सही तरीके नाल काम कर रहा है, लोगों के ढिड पाल रहा है, वो किसानी सीगा। ते किसान ने इस मौके ते देश दे नाल जिथे पहलां भी ढिड भरदा रहा है, हुण भी किसान दी मेहनत करके साडे देश दे प्रधानमंत्री साहब ने जदों कोरोना लग्या तो सारे लोगों वास्ते 3-3 महीनों का अनाज भी उन्होंने वंडण का कहता। आ सारा कुछ किसान करके सीगा। किसान नूं शाबाशी देण दी लोड़ सी। बंदी दे हालात च भी 1,27,00,000 टन कणक पंजाब दी चक्की गई, किसान दी एक दाणा चक्या गया बिना किसी परेशानी दे। उहदी पेमेंट जिहड़ी है करीबन 26,000 करोड़ रुपया किसान दी जेब च आया। इस करके होया भी पंजाब सरकार कोल इत्थे पूरा इंतजाम है, मंडियां है, साडी एडमिनिस्ट्रेशन है, सानू इस गल दा एक्सपीरियंस है। पंजाब दे किसान जिहड़े है मेहनत अपने खून पसीने नाल फसल लैके आंदे है ते उस फसल नू FCI MSP दे उत्ते खरीददी है। आ जिहड़ी हुण साजिश हो रही है, जिहड़े काले कानून मोदी साहब दी BJP दी सरकार लैके आई है, उन्हां दी नीयत जिहड़ी है MSP नू खत्म करन दी है। एक झटके च नहीं, इन फेजिज़ हौली हौली करके इनू खत्म करने की जिहड़ी साजिश है, जिहदे तहत आ सारे काले कानून देश बंद पिया। चीन दे नाल लड़ाई लगण दे आसार बने खड़े है, साडे फौजी जवान शहीद हो रहे है, उन्हां दे बावजूद एक काला कानून ऑर्डीनेंस के जरिए लैके आए है। इहदे विच अपने आप ही क्लीयर होता भी कोई ना कोई मंशा जिहड़ी है उन्हां दी इस किस्म दी है। जिहड़े पार्लीमेंट च गल करन तो बीजेपी सरकार कतरा रही सी क्योंकि बहुत सारे जवाब देने पैने सी। कोई एक मिनट सर, जदों ताई सरकारी खरीद नहीं होंदी MSP का कोई मायना नहीं। कल असी एक वीडियो मनु किसी ने शेयर की सी, हुशियारपुर मंडी की वीडियो सीगी ते उन्होंने दिखाया भी किसान कह रहा सी भी 600 रुपये जो मेरी ढेरी विकती है तो ये तो असी डंगरां नूं पा देंगे, आप बोली बंद कराओ। मैं अज इत्थे आई किसानों को दसन आया भी साथियों जागरूक हो जाओ, आ कोई राजनीतिक मसला नहीं। अज मक्की 600 रुपये बिक रही है, रुलदी फिरदी है इत्थे। जे BJP की साजिश कामयाब होगी तो कणक भी इस तरह रुलूगी इत्थे, क्योंकि कणक अगर चकी जाती है एक दाणा इस करके चकी जाती है भी जी। हुण कांग्रेस सरकार ने जिहड़ी MSP पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब नाल प्रणाली बनाई सी भी सरकारी खरीद होगी झोने की तो कणक की, इस करके एक दाणा चक्या जाता है। पर जो साजिश हो रही है वो तहत किसान की कणक तो झोना इत्थे मंडियां च रुलदा होऊगा। हौली हौली फेजिज च करनगे। जिहदी ब्योंतबंदी इन्होंने करती आ जिहड़े प्राइवेट कंपनियां नूं बाहर मंडियां बनाउण दी, दूजी कंपनियां नूं इत्थे आके स्टोर करन दी, उन्होंने बेचण की बिना लाइसेंस ते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की खेती तो लैके टेबल तक पहुँचण तक सारा जिहड़ा काम है वड्डे साहूकारां दे हत्थ च जांदा रहूगा। ते किसान जिहड़ा अज अपने चाहे उहदे कोल 1 एकड़ जमीन है, चाहे उहदे कोल 5 एकड़ जमीन है, वो अपनी जमीन का मालिक है। जिस दिन इत्थे वड्डे साहूकार आ गए वो जिहड़ा मालिक है वो मजदूर बन जूगा। फिर बिहार तो मजदूर बनाने की लोड़ नहीं पैनी, साढ़े किसान इतने मजदूरी कराया करेंगे अडानिया ते अंबानिया। सर कल मुख्यमंत्री साहब ने एक बैठक की सर्वदलीय बैठक जिसे फैसला लिया कि PM साहब में जोड़ा है एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, लेकिन भाजपा के अकाली दल इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं हो रहे। कुर्सी का लालच सता रहा है अकाली पार्टी को। सुखबीर बादल 2 किश्तियां ते सवार होना चाहते हैं। दबी जवान च कहते हैं किसान के नाल हाँ, पर उधर कुर्सी का जड़ा लालच है, इस करके इन्ह काले कानून के खिलाफ बोलने तो भी डरते हैं। अज मैं कल भी आई गल उत्थे कीती सी सर्वदलीय मीटिंग के अंदर। अकाली दल चाहे साड़ी विरोधी पार्टी है, पर उसका जोड़ा इतिहास है संघर्ष चों निकले है, उन्होंने कुर्बानियां दित्तियां, जानां गवाइयां, जेल च गए है, डांगा खादियां, पर वो अकाली दल होर सीगा। अज का अकाली दल है उन्होंने वास्ते कुर्सी छड्डना, केंद्र के अंदर फूड प्रोसैसिंग मंत्रालय छड्डना ही बहुत वड्डी बलिदान है। ਜਿਹੜੇ बलिदान कुर्सी ਛੱਡਣ ਨੂੰ बलिदान समझण लगे वो किसानों ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਗੇ। ਅੱਜ मसला बड़ा सिंपल है, किसान ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, सारे किसानों ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। अदरवाइज बीजेपी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ दल पंजाब ਦੇ किसान ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। हिंदुस्तान लोकतंत्र है, वो मजदूरी जरूर करते हैं पर बंधुआ मजदूर नहीं। साडे मेहमान है, साडे पंजाब के विकास दे विच उन्होंने योगदान अपना भी खून पसीना पाया, चाहे मजदूरी करन अपना घर छड़ के इत्थे आए है। जिन्हों ने अपने घर वापस जाने की इच्छा जाहिर की उन्होंने जाने वास्ते प्रबंध कराना साडा फर्ज सीगा। नहीं तो 1200 किलोमीटर एक 15 साल की बच्ची अपने पिता नूं साइकिल पर बिठा के लैके जाए, मैं समझदा सारे देश वास्ते शर्म का मुकाम है। असी नहीं सी चाहते, असी पंजाबी जिहड़े हाँ असी अपने भाईचारे की, मेहमानों की, अपने बंदियां की कदर करना जानते हैं। इस करके उन्होंने लोगों को घर जाने की इजाजत भेजा गया जिहड़े जाना चाहते सी। तुसीं कहंदे हो साडे मेहमान सी, पर मेहमान तां सर रोंदे बिलखदे पैदल वापस गए। सर सूबे दे लोक साहब इत्थों 35 करोड़ रुपये दे नाल करीबन 500 श्रमिक एक्सप्रैस भेजिया गई हैं। किसी होर सूबे की साड़ी जिहड़ी पापूलेशन है वो केंद्र सरकार ने झगड़ा करने के बाद इन्नियां सानू गड्डियां दित्तियां नहीं, गड्डियां भी नहीं दे रही सी। उन्हां नूं मुफ्त देनी चाहिदी सी। वो हिंदुस्तान के वासी है, चाहे पंजाब दे सी चाहे बिहार दे सीगे। गरीब करके देखो सारे कहंदे सी भी बीमारी ना अमीर देखदी ना गरीब देखदी। मोदी साहब ने करोना नूं इह जिहा बनाता भी सिर्फ गरीबां दे उत्ते मार पई है, अमीर नूं तां किसी नूं तकलीफ नहीं हुई। अज जी किसानों की जी गल करनी है साहब, तुम दूजे पास ना अज जो इशू बहुत गंभीर है। ये जिथे MSP की सरकारी खरीद बंद होने जा रही है, उत्थे दूजा जोड़ा मसला अज सामने है, जोड़ा अज सवाल पूछने वाला है, तेल दे जी अग लगी पई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल दियाँ कच्चे तेल दियाँ कीमतां घटदियां जा रही हैं, इत्थे वधाई जा रही है। झोने के अंदर सब एक मिनट सुन लो तुसीं प्लीज़, जोड़ा MSP ਵਧਾਈ है इन्होंने हुण अनाउंस किया, झोने के अंदर 2.8% झोने की कीमत वधाई है। तो पिछले सिर्फ 15 दिनों के अंदर डीजल की कीमत 12% वधाई है। वो जिम्मेवारी केंद्र सरकार को लेनी पेगी। जोड़ा तेल अज देखो कहते सी भी मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ देश के लिए, अज पहली बारी होया अज इत्थे दा रेट मैनूं पता नहीं, पर दिल्ली दे विच जिहड़ा डीजल है पेट्रोल तो महंगा करता जिन्होंने। आ इन्हां दी कामयाबी है। देश संकट तो लड़ रहा है, चीन की बार्डर के उत्ते नेपाल सानूं अखां दिखा रहा है, पाकिस्तान दे नाल पहलां ही साडा जो कुछ चल रहा है उन्हां दे बावजूद इस काले कानून नूं जिहड़ा लैके आए है, इन्हां दी मंशा दे उत्ते शक है। इहदे करके किसानां नूं जागरूक होना पऊगा। राजनीतिक लड़ाइयां लड़ियां जांदियां रहणगीਆਂ। अज हरेक पार्टी को साबित करना पऊगा भी वो किसान नाल खड़े है या अपनी कुर्सियां नाल खड़े। कांग्रेस पार्टी दा मेन एजेंडा बादल सीगा भी आपां का कहना कि जिहड़ा ਉਹ किसान हताशी है ते वो जिहड़ा हैगा किसानां दे नाल खड़े है ते MSP बंद नहीं होण दित्ती जाएगी। उस नूं किसी किस गल दी वेट करे। देखो गडकरी साहब दा जिहड़ा बयान सीगा उहदे विच किते कोई किंतु परंतु नहीं रहेगी। गडकरी साहब ने स्पष्ट शब्दां 'च किहा भी जिहड़ी MSP दी खरीद है वह हिंदुस्तान की इकोनॉमी अर्थचारे दे उत्ते बोझ है। जिस BJP नूं किसान बोझ लगन लग गया, मैं समझदा भी इस तो ज़्यादा साडे वास्ते कोई भी काला दिन नहीं हो सकता। हिंदुस्तान वास्ते वो किसान जिन्हें हिंदुस्तान का पेट भरिया, लाल कणक PL 480 के तहत अमरीका तो आती सी, वो अजे सारे गोदाम भरे पे है। उन्होंने गडकरी साहब कह रहे हैं, BJP कह रही है भी MSP साडे उत्ते बोझ है। ये वास्ते लोगों को जाणू कराने वास्ते सरकार दा मुख्य एजेंडा यही सीगा भी घर घर नौकरी देना। जिहड़ा डीजल बदलिया उहदे जिहड़े सुखबीर बादल ने कहा है भी जे सारी पार्टियां तां साथ देवांगे जे पंजाब सरकार 10 रुपए बैठ घटाओगे। एक गल मैं सुखबीर बादल जी नूं स्पैसिफिकली पुछना चाहना, पंजाब ने अकालियां दा बिगाड़िया की है भी जिथे किते गल मंगदे आ कहंदा नहीं जी पहला हिसाब दिओ। हुण सुखबीर बादल कहंदे पंजाब दी बेड़ियां 'च पट्टे पाण दा इन्हां दा की एजेंडा की है सुखबीर बादल दा भी अज जो सत्ता तो बाहर है पंजाबियां नूं मारन दी तैयारी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਸੌਰੀ ਡੌਗ ਰੱਖਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਲਾਤਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 2.12 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਚੇਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ 2.12 ਕੁਇੰਟਲ मेरी नोटिस नहीं पर दसो कि कटिया एफ सी आई ने कटिया कि नहीं चैक करके दसो बाकी पूछ लैन दो सारा बयान आया भी पंजाब जिस तरह कोरोना के केस वध रहे आने वाले समय शायद पंजाब च दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। देखो अटकलां लग रही हैं आज दे दिन मैं समझदा भी पंजाब की जिहड़ी स्थिति है कोरोना की बाकी स्टेट्स नालों बहुत बेहतर है क्योंकि टाइमली एक्शन कैप्टन साहब की सरकार ने पूरे सारे डॉक्टर्स तो जिहड़े एक्सपर्ट्स उन्हां दी राय नाल लिया लोकां दी सुरक्षा उन्हां दी जान दी सुरक्षा वास्ते जिहड़े भी कदम नैसेसरी होणगे सरकार उन्हां नूं सुविधा सामने रखूगी। ਐਮਰਜੈਂਸੀ दिवस मनाया जा रहा भाजपा वालों अज दे दिन लै के मैं समझदा कि पहला लोकां दे उत्ते आ काला जिहड़ा कानून है आ एमरजेंसी अज लगी नहीं तो की अज जिहड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार दे सूबे दी ताकतां जिहड़े लई बैठे आ मैं समझदा